Audio Jungle. भारत बंद के बारे में पांच बातें। किसानों ने कहा है कि भारत बंद के दौरान वो दिल्ली को जाने वाली सभी सड़कें ब्लॉक करेंगे, सभी टोल प्लाजा रोके जाएंगे और वहां प्रदर्शन किया जाएगा। वामपंथी पार्टियों ने न सिर्फ इस बंद का समर्थन किया है बल्कि अन्य विपक्षी दलों से भी इसका समर्थन करने की अपील की है। CPI, CPIM, CPM और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने एक संयुक्त बयान में किसान आंदोलन का समर्थन करने की बात कही है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर और ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर ने भी किसान आंदोलन और किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन किया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी भारत बंद के दिन प्रदर्शन होने की उम्मीद है। दिल्ली सीमा, सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर पर डटे किसानों ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसानों से उनके समर्थन में आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी मिलकर दिल्ली को घेरें और दिल्ली की सीमाओं को सील करने में उनकी मदद करें। बीते 11 दिनों से दिल्ली की सीमा पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली को आने वाले कई रास्ते बंद हैं। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पड़ने वाले सिंधु, चिकरी, झरोदा, औचंडी, लामपुर, मानियारी और मंगेश बॉर्डर सील हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से मिलने वाली दिल्ली की सीमा पर भी कुछ जगह बंद है। पांचवें दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद अब दोनों पक्ष छठे दौर की बातचीत के लिए बुधवार 9 दिसंबर को मुलाकात करेंगे। भारत की 2.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा लगभग 15% है और देश की कुल आबादी 1.3 अरब में से आधे लोगों की आजीविका खेती किसानी से ही चलती है। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से जोड़ने वाली कई सड़कों पर डटे हुए हैं। आज विरोध प्रदर्शन का 11वां दिन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता और ब्रिटेन के 36 सांसदों ने भारत में जारी किसान विरोध को लेकर कर कहा कि किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक है। पिछले 10 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं। नए कृषि कानून के विरोध में हो रहे इस आंदोलन का असर यह है कि अब दिल्ली NCR में रहने वाले लोग परेशान हो रहे हैं। खास तौर से वो लोग ज्यादा परेशान हैं जो कि रोज दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव आते जाते हैं। हरियाणा, पंजाब से आए किसानों की भीड़ दिल्ली बॉर्डर पर डटी हुई है। इधर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर मध्य प्रदेश और UP से आने वाले किसानों को रोका गया है। मथुरा से दिल्ली आने वाला नेशनल हाईवे पलवल और फरीदाबाद के पास पूरी तरह बंद है। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है, यानी स्थिति यह है कि दिल्ली चारों तरफ से किसानों से घिरी हुई है। जरूरी नहीं कि रास्ता खुला मिले। हर रोज लाखों की संख्या में दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम से नौकरी पेशा और जरूरतमंद लोग आते जाते हैं। स्थिति यह है कि जिस रास्ते से आप अगर आज दिल्ली के अंदर या दिल्ली से बाहर आए हो, यह जरूरी नहीं कि लौटते वक्त वही रास्ता आपको खुला मिले। इसलिए आप घर से बाहर निकलने से पहले यह जरूर जान लें कि किस रास्ते से आपको मंजिल पर पहुंचना है।
इन राहों पर है जगह मुश्किल। दिल्ली को नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद से जोड़ने वाले मुख्य रास्ते जाम है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा से आने जाने वालों के लिए दूसरे वैकल्पिक मार्ग तैयार किए हैं। इस बीच यूपी दिल्ली आने वालों रास्तों पर भी कई जगह लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये बॉर्डर पूरी तरह से बंद। किसानों का आंदोलन दिल्ली गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है। इस वजह से नेशनल हाईवे 9 NH 9 पर दिल्ली आने का रास्ता पूरी तरह से बंद है। ये गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद से दिल्ली आने के लिए महत्वपूर्ण रास्ता है। हालांकि NH 9 से गाजियाबाद जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली नोएडा का चिल्ला बॉर्डर पूरी तरह से बंद कर रखा। यहां से कर सकते हैं आना जाना। ऐसे में गाजियाबाद से दिल्ली आने के लिए मोहनगढ़ से सीधा शाहदरा की तरफ से या फिर नोएडा होते हुए DND से ही दिल्ली पहुंचा जा सकता है। DND, कालिंदी कुंज और साहिबाबाद के बॉर्डर अभी पूरी तरह से खुले हुए हैं। परमवीर चक्र से सम्मानित कर्नल होशियार सिंह दहिया की पुण्यतिथि पर आर्यव्रत ब्लड कमांडो टीम व सिसाना के युवाओं ने उनके समाधि स्थल पर सफाई व्यवस्था कर कर्नल साहब को पुष्पमालाओं से श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्नल साहब का जन्म 5 मई 1936 को जिला सोनीपत के ऐतिहासिक गांव सिसाना के साधारण किसान परिवार में चौधरी हीरा सिंह के घर हुआ था। वह जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए और तत्पश्चात ग्रेनेडियर में अपनी सेवाएं दी। उन्होंने 1971 में जरपाल नामक स्थान पर पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया, जिसके कारण भारत सरकार ने उनको जीवित परमवीर चक्र से सम्मानित किया। 6 दिसंबर 1998 को उनका निधन हो गया था। श्रद्धांजलि सभा में आर्यव्रत ब्लड कमांडो मनोज दहिया, सागर, पंकज कमांडो, आशीष दहिया, डॉक्टर संजीत दहिया, सुभाष, कप्तान मोनू सहित अनेकों युवा उपस्थित रहे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।